जय हिंद सभी को। तो आज आइए एसएससी जीडी से जुड़े कुछ विशेष बात करते हैं हम लोग। तो पहले तो ये बता दें कि जो जो मेडिकल फिट है इस बार 90% उसका जॉब लग गया है, और जो जो री मेडिकल से वापस आएंगे उनका भी वही हाल है। ठीक है, तो लगभग आप लोग का जॉब हो गया है। सोच लीजिए, मेरिट का बात भी हम इस वीडियो में करने का पूरा प्रयास करेंगे कि कितना दूर तक आपका मेरिट जा सकता है या हिल सकता है। 2015 में क्या घटना हुआ था, और 2015 में जो जो हुआ था, और 2018 वाला वैकेंसी जो अभी 2020 में आपका चल रहा है, इसमें क्या क्या घटना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लगभग फोर्स के बारे में वीडियो हम ख़त्म कर चुके हैं डियर फौजी यूट्यूब चैनल पे, और अब कमांडो के बारे में, जितना भी फोर्स का कमांडो है सब के बारे में स्पेशल सेपरेट वीडियो तैयार कर रहे हैं, जो कि डियर फौजी यूट्यूब चैनल पर या कैंडिडेट कॉर्नर पर किसी पर अपलोड अप करते जाएंगे एक एक लाइन से, समझे। चाहे कोबरा कमांडो हो या क्रोकोडाइल कमांडो हो या निंजा कमांडो हो या एनएसजी हो, जो भी हो कमांडो के बारे में स्पेशल, और जो भी इसका ट्रेनिंग से रिलेटेड बात है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं उतना दिन से अंदर का बात, और ट्रेनिंग से जुड़े सब बात, और देखिए पेमेंट जितना जितना सब का मिलता है इसका भी अलग हमको लगता है वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन लगभग का पेमेंट हम बता चुके हैं, लेकिन अगर इच्छा होगा तो बताइएगा, फिर से पेमेंट का वीडियो बनाएंगे। तो ये सब फालतू बात मत कीजिए, आइए एसएससी जीडी के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस बार विशेष मेरिट बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, ये हमको बताइए ज़रा। देखिए, मेरिट बढ़ने का बहुत कम चांस है। क्यों कम चांस है ये पहले हमको बताइए, हम बताते हैं। 2015 वाला जो वैकेंसी चल रहा था उसमें पहले क्या किया था, स्टूडेंट को दड़वा दिया, फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया, इसमें क्या लिया, पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया फिर फिजिकल लिया, एक एक कदम फूक फूक कर चलना पड़ा 2018 वाला वैकेंसी में। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि मेडिकल तक स्कॉलर पकड़ाया है, क्या सही बात है या गलत बात, आप लोग देखे होंगे प्रत्येक सेंटर में प्रत्येक बैच से कुछ न कुछ विद्यार्थी तो ज़रूर पकड़ाया है, और आपको लगता है ना कि इतना इतना परसेंट मेडिकल फिट हो गया, गलत बात है। आपको याद होगा हम छोटा सा एक एनालिसिस किए थे कि ऐसा ऐसा घटना होगा, इतना का एडमिट कार्ड आएगा, इतना को रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार से हो रहा है कि नहीं, आप देखिए रिजेक्शन स्लिप आ रहा है कि नहीं, उस प्रकार से लगभग को क्लियर करके उधरे रख देगा जो जो मेडिकल फिट स्टूडेंट हैं, और अभी जो है ना कितना 1600 या 1700 के आसपास किसी को फिर से बुलाएगा ना अभी एडिशनल वाले को मेडिकल के लिए, तो उसका तो मेरिट में नहीं है जोड़ाएगा मेरे हिसाब से, ताकि उसके हिसाब से तो हम बोलते हैं कि आप लोग के मेरिट में कुछ असर पड़ेगा ही नहीं, ताकि उसका तो नीचे नंबर है इसलिए उसको उठाया है। तो मेरिट जो बढ़ने का है वो डिपेंड करता है आपका कि उधर से विद्यार्थी वापस कितना परसेंट आता है रीमेडिकल से, समझे। और इस बार जिस प्रकार से बात है कि पिछले बार जितना विद्यार्थी आया था इस बार तो उतना नहीं आएगा, अब देखिए अब रीमेडिकल से वापस क्यों नहीं आएगा आप लोग को लगता है ना। देखिए हम ऐसा नहीं कि वीडियो एक एक चीज़ टॉपिक चुनकर बात करेंगे, जो जो भाई हमको मन में आएगा हम बताएंगे, इच्छा हो तो सुनिएगा, नहीं इच्छा हो तो मोबाइल बंद कीजिए और जा कर के एक दो टो कौन कौन सोचना, एक दो टो गेम है पबजी उबजी सब खेलिए, समझे। पबजी उबजी कौन खेलता है, जिसको लगता है कि साला ये साला हम लोग पबजी वाला काम यहाँ रोजे करते हैं, ये सब कौन समझेगा। छोड़िए आइए बताते हैं, ये सब बात करने से बीच में फिर भूल जाते हैं। तो रीमेडिकल वाले जितने स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा अगर वो मन में दुख ना माने तकलीफ़ ना माने तो दो मिनट हम उनसे ये बात करना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि इस बार रीमेडिकल में सभ्य विद्यार्थी वापस आ जाएगा तो गलत आप सोच रहे हैं। अब क्यों गलत सोच रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। मान लीजिए 50,000 स्टूडेंट रीमेडिकल में गया, ठीक है, 500 में 500,000 को जो है पॉइंट दिया गया है सबको, मतलब पॉइंट तो है तब ना रीमेडिकल दिया उसको, सब गया डॉक्टर से पैसा दे करके लिखवा लिया कि नहीं भाई
हम फिट हैं, हमको लिख दीजिए कि हम फिट हैं। ठीक है भाई, सबको लिख दिया। आप गए री मेडिकल देने तो क्या सबको पास कर देगा? डॉक्टर लिख जाता आपको पास कर देगा? तब तो जो मेडिकल में पास हुआ उसका कोई वैल्यू ही नहीं है महाराज, उसको भी फेल कर देता तो वो भी जा कर के री मेडिकल में पास हो जाता डॉक्टर से लिखवा के। आपका यही ना कहने का मतलब है? तो हम फिर आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं या कुछ तकलीफ देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो ओरिजिनल बात है वो सुनिए। तब तो इस प्रकार से जितना स्टूडेंट फेल होता सब डॉक्टर से लिखवा लेता, ले जाता वहाँ पर, तब तो उसको मेडिकल और री मेडिकल में तो अंतर क्या रहता है? तब तो कुछ मेडिकल लेने का मतलब ही नहीं रहता। तब तो मान लीजिए मेडिकल में जो जो छटाता डॉक्टर से लिखवा लेता, वो पास हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा ये बताइए कि वहाँ डॉक्टर जो था, जो आप लोग का चेक कर रहा था एमओ सब, वो क्या सब आपको मूर्खे लगा, झुट्टों का छाँट दिया? बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, सर हमको ये चीज़ नहीं है, इसमें झुट्टों का छाँट दिया। अरे ठीक है, कुछ कुछ के साथ ऐसा हुआ है, सब के साथ ऐसा नहीं हुआ है। और अगर कुछ कुछ के साथ ऐसा हुआ है तो वो फिट हो गए, फिट हो जाएगा, मतलब कहने का मेरा मतलब है वो रीमेडिकल में फिट हो जाएगा। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो ज़रूर पास होगा, समझे? लेकिन लगभग स्टूडेंट जो बोलता है कि नहीं हमको ये नहीं था, हमको ये कर दिया, तो ये गलत बात है। ठीक है, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, किसी के साथ ऐसा होता तो उसको ऐसा लगता, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इस बार जैसे चल रहा है, देखिए हम फिर बता रहे हैं, दलाली तो चलेगा, दलाली तो चलेगा, हर हमेशा याद रखिए, समझे? कोई चीज़ ऐसा नहीं है यहाँ पे दलाली नहीं चलता है, पैरवी गुरु रहना चाहिए, दलाली अपने आप चलेगा। किसमें नहीं चला है दलाली बताइए? मेडिकल में आपका दलाली नहीं चला क्या? सब में चला। मेरिट को लेकर के अगर बात करते हैं तो हर हमेशा ये बात याद रखिए कि मेरिट उठना जिस प्रकार से आप लोग सोच रहे हैं उतना कभी नहीं भागेगा। नहीं भागने का यही कारण है कि स्टूडेंट जो जो मेडिकल फिट हुआ है उसका मात्रा कम है। ठीक है, वैकेंसी के बराबर से अधिक मात्रा अभी है, लेकिन उतना नहीं अधिक है जो कि आप बोल सकते हैं कि एक सीट पे दो विद्यार्थी है, एक सीट पे डेढ़ विद्यार्थी भी नहीं है। आपको शायद जानकारी नहीं है, एक सीट पे डेढ़ विद्यार्थी से भी कम है। ठीक है, तो आप जब आप समझ सकते हैं कि डेढ़ से दो नंबर मेरिट आगे जाने पर 20,000 स्टूडेंट को रोका जा सकता है, तो आप समझ लीजिए इसमें बोलने वाला क्या बात है। फिर आपको हम पुनः बता दें कि हम कुछ स्पेशल टॉपिक से वीडियो नहीं बना रहे हैं, अगर इच्छा होगा तो बनाएंगे, और हमको लगता है अजय बार हम फ्री हैं, फिर निकलेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग से बातचीत कर लिए। और पुनः आप लोग को बता देंगे कमांडो और ट्रेनिंग और सैलरी, ये तीनों पर अब जो है ज़बरदस्त वीडियो बनेगा, समझे? तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, चिंता नहीं करें। हम तो बोलते हैं महाराज किसी का कुछ नंबर ज़्यादा है तो सेफ है, एक एक पॉइंट के बीच में हजारों हजार विद्यार्थी है ग्रुप, ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। पॉइंट सिस्टम है, 2015 वाला ये सिस्टम नहीं है जो कि स्टेट कोड दे देगा, ऐसे कोड है, ये नक्सल का है, ये जनरल का है, ये बॉर्डर का, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ कोई समझ ही नहीं रहा है, बहुत भर्ती प्रक्रिया में बहुत चेंजिंग है। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं 2015 में इतना नंबर बढ़ गया था कटअप, तो मारिए उसको मुंह में घींच के और बोलिए कि इस बार नहीं बढ़ेगा उतना, और नहीं तो देख लेना, समझे? यही सब बात है। और जितना आप अंदर घुस के सोचिएगा उतना आपको पता चलेगा कि कितना कम विद्यार्थी है, कैसे कैसे विद्यार्थी छटा गया है, विद्यार्थी बचा ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि बहुत विद्यार्थी है? कुछ विद्यार्थी नहीं है, आपको पता नहीं है तब, समझे? लगभग विद्यार्थी जो है मेडिकल में ख़त्म हो गया, री मेडिकल में बहुत अप्लाई नहीं करेगा, बहुत को जो अप्लाई किया उसको रिएक्शन स्लिप भेज दिया गया, री मेडिकल में कितना क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। क्या लगता है आपको, सीट मतलब कटअप बढ़ जाएगा, मेरिट बढ़ जाएगा? कुछ नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है, ये सब को लेकर के हम बाद में भी और चर्चा करेंगे। तो फोर्स वाइज जो है जानकारी हम दिए हैं आप लोग को उसमें डियर फौजी यूट्यूब चैनल पे, और कैंडिडेट कॉर्नर पर इस प्रकार से चर्चा करते रहेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं या वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं,
होली उली था, हम भी थोड़ा सा आनंद लेने के लिए होली में आए थे, तो सोचे कि 100% होली में दिया जाए समझे, इसीलिए हम थोड़ा सा वीडियो वीडियो नहीं बनाए। और सब बढ़िया है, फिर आप लोग से बात करते हैं, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।